हेलो गाइस, जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है और वो कैसे प्रोसीड होता है। फर्स्ट, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उसको जिसको हम मोनोमर्स कहते हैं, वो कंबाइन होता है केमिकली और प्रोड्यूस करता है एक लार्ज मॉलिक्यूल, चेन लाइक मॉलिक्यूल, या उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि नेटवर्क मॉलिक्यूल है, उसी को हम पॉलीमर बोलते हैं। तो इस फॉर्मेशन को, मतलब जो ये पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, इस प्रोसेस को ही हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि एनी प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स कंबाइन केमिकली टू प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज चेन लाइक और नेटवर्क मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अ पॉलीमर। दिस होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। हम एग्जाम्पल के लिए एक लेते हैं, एसिटिलीन और एल्काइन का रिएक्शन देखते हैं। उसमें से हमारा बेंजीन फॉर्म होता है। तो चलिए, यहाँ पे हम थ्री मॉलिक्यूल लेते हैं एल्काइन का। वन ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, एंड थर्ड ये हो गया। इसमें क्या होता है, ये इससे कंबाइन हुआ। किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, आयरन ट्यूब और 773 केल्विन के टेम्परेचर पे। तो हमारा क्या फॉर्म होता है, हमारा एक बेंजीन रिंग फॉर्म होता है। ऐसा, तो ये हमारा क्या है, बेंजीन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटिलीन। तो ये हमारा एसीटिलीन से बेंजीन का फॉर्मेशन एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। क्यों पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइन का कंबाइन होके एक बेंजीन रिंग लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू।